from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, नून लीग इमरान खान को बैलेट और बुलेट के जरिए तो शिकस्त नहीं दे सकी। अब वो पीटीवी पे बैठकर इमरान की कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं और मजहबी कार्ड के इस्तेमाल के जरिए अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। लुक, देखिए, ये इंसान की नेचर है कि प्रोपेगेंडा उस पर काम करता है। कैसे? देखिए, जब आप किसी इंसान की तारीफ करें ना, तो सामने वाला आपसे थोड़ा सा हटके दो चार सवालात पूछता है कि अच्छा, तो ये बात आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि उनमें ये खसूसियत भी पाई जाती है। बहुत सारी चीजें सवालात उसके जहन में आते हैं। लेकिन जब आप किसी के मुतालिक मनफी बात करते हैं तो आप एकदम सहम जाते हैं और एकदम उससे कोई सवाल नहीं पूछते, यकीन करने लगते हैं। ये इंसानी नेचर है। और इसको समझते हुए जावेद लतीफ साहब जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मनफी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसके लिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कोई तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो। ये कितनी हिकमत की बात है कि जब कोई खबर लाए तुम्हारे पास, कोई बात कहे किसी से मुतालिक, तो तहकीक कर लिया करो। अच्छा, इससे पहले कि हम जावेद लतीफ के इल्जामात का जायजा लें, दो तीन बुनियादी पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं आप अपने पेशे नजर रखिए। पॉइंट नंबर वन, पाकिस्तान में मजहब से इस्लाह का काम लेने के बजाय नफरत फैलाने का काम लिया गया है, एक बात। पॉइंट नंबर टू, जिस माशरे में मजहब नफरत फैलाने का बायस बन जाए उस माशरे में लोग मजहब से दूर होने लगते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, पाकिस्तानी माशरा सियासत, मजहब, सेक्स, इन्हीं खबरों के गिर्द घूमता रहता है और इसमें हमने कोई कारनामे अंजाम नहीं दिए हैं बल्कि शर्मिंदगी के ही काम किए हैं। लोग देखिए, मजहब बुरी चीज नहीं है, वो लोग बुरे हैं जो मजहब का मनफी इस्तेमाल करते हैं। अब आइए जावेद लतीफ साहब के इल्जामात की तरफ। देखिए, ये वो साहब हैं जिन्होंने कहा था चंद महीने पहले कि अगर मरियम नवाज को कुछ हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान खपे, यानी पाकिस्तान टूट जाए, तोड़ देंगे हम पाकिस्तान को। ये साहब हैं, इनका नाम है जावेद लतीफ। ये बहुत ज्यादा लॉयल हैं अपनी पार्टी के साथ, इसकी बुनियाद पर इनको काफी करप्शन करने का मौका भी मिलता है। कुछ लोग होते हैं जहनी तौर से वो गुलाम इब्ने गुलाम होते हैं, ये उन्हीं में से हैं। अच्छा, वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं, अरे लोगों, क्या तुम ऐसे शख्स को वोट दोगे जो मुसलमान भी नहीं है? ये उनका एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता, देखिए, किसी जगह इमरान खान ये बात कहना चाह रहे थे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप बोल रहे होते हैं एक्सटेम्पोर खास करके जब बात कर रहे होते हैं तो आप कह रहे होते कुछ हैं, वो कुछ अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं लेकिन समझने वाला सामना मफहूम समझ जाता है। मसलन इमरान खान कह रहे थे कि मैं इन मसाइल से आपको आजादी दिलाऊंगा सीरत मुबारक की रोशनी में, वो ये बात कहना चाहते थे। तो इन्होंने ये बात उसको वहां पर सुनानी शुरू की है कि मैं तुम्हें सीरत से आजादी दिलवाऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब, ये इनका किरदार है। कहते हैं ना, जब आप किसी को डिफाइन करते हैं तो आप खुद डिफाइन हो जाते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। देखिए, ये शख्स उस शख्स के मुतालिक ये बातें फैला रहे हैं कि जिसका आप हिस्ट्री उठा के देखिए कि उसकी मोहब्बत कैसी है, वो क्या करता है। जो शख्स एहतराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जो इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाज से उतर कर गर्म जमीन पर नंगे पैर रोजा मुबारक पे जाता हो, जो वहां बैठकर, असद उमर ने बताया कि हम सब तो दुआएं मांग रहे थे, ये सिर्फ दुआ नहीं मांग, सिर्फ रो रहे थे, ये 15 मिनट तक ये शख्स रोता ही रहा, जिसका इश्क ये है, उसके मुतालिक रोजे मैशर ये पकड़े जाएंगे। वहां पे लोग दुआएं मांग रहे हैं, वो शख्स रो रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पे, जिसका इश्क इतना मजबूत हो, जो यूनाइटेड नेशन में खड़ा होकर पूरी दुनिया को वार्न करता है, पूरी दुनिया को 42 मिनट तक वो ये बात करता है और बताता है कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है और अगर उनको कुछ भी कहो, वहां जरा सी भी तोहीन करोगे तो तुम हमें हर्ट करोगे, ये सही नहीं होगा। फिर इसके मानी तुम खुद समझ जाओ क्या होगा।
अच्छा, ये उस शख्स पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं जिसने सीरत अथॉरिटी बनाई है और वो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पे पीएचडी करो, यूनिवर्सिटीज में ले जाओ, दूसरे ममालिक के लोगों को बताओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, उसको आगे बढ़ाना चाहता है। जो शख्स अल कादिर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख चुका है अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, ठीक है ना, उस शख्स के मुतालिक ये बातें की जा रही हैं। और इन्हीं की पार्टी की एक वो बदजबान खातून है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो बड़ी बदतमीजी से ये बात कहती रही हैं और रोज़े महशर पकड़ोगी। मदीना का तो नाम भी लो तो एहतराम से लो, वो चीख चीख के बदतमीजी से ये कहती रही हैं। क्या होती है मदीना की रियासत, कहां है, इससे कहो हमें लाके दिखाए, रब्बुल आलमीन तुम्हें दिखाएंगे, चार फिट नीचे जाते ही तुम्हें नजर आ जाएगा कि तुमने क्या कहा था। तो ये लोग जो हैं ये सिर्फ इख्तदार हासिल करने के लिए इमरान खान के पीछे लगे हैं। इनको पता है कि ना बैलेट से जीतेंगे ना बुलेट से, ठीक है ना, वरना इनके हशर नशर हो जाएगा। अब उसको जो है वो बना दो, कंट्रोवर्शियल बनाओ और उसके मुतालिक ऐसी बातें कहो, उसके मुतालिक तुमने किताब तक लिखवा दी, सब कुछ तो तुम कर चुके हो, अब एक ऐसी बात का जरिया हासिल करना चाहते हैं कि मजहब एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी को चढ़ा दें, उसे कह दें कि इसने तुम्हारे मजहब को ये कहा है, या खास करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जरा सी भी गुस्सा है तो वो तो आके आपको मार देगा, ठीक है ना। ये उस तरफ उस हद तक पहुंच गए हैं और अवाम इनको पहचानती है। मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं, अगर आप समझते हैं कि मईशत को तो इन्होंने डोल दिया, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, 30 साल तक इन्होंने लूटा है, इन्होंने महल बनाए हैं लंदन में, पूरी दुनिया में इनके कारोबार तरक्की करते गए हैं, पाकिस्तान के सारे स्टील मिल, पीआईए, हर चीज नीचे बैठती गई है, और अब ये इख्तदार हासिल करने के लिए मुल्क में ये अनारकी फैलाएंगे मजहब के नाम पर, मईशत तबाह कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता इस तरफ चला गया मजहबी दींगा मश्ती की तरफ, तो क्या रह जाएगा फिर, मईशत तो पहले ही खत्म है, ठीक है ना। तो इनसे बचना चाहिए, इनका मुहासबा करना चाहिए और हर शख्स को चाहिए कि इनके मुतालिक जो हकायक हैं वो सामने लाएं। अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं तो बराए मेहरबानी इसको अपनी हद तक मत रखिएगा। रोज मईशत सवाल होगा कि जब ये बात हो रही थी उस वक्त तुम कहां थे। डॉक्टर शरीयती ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि जिस वक्त हक को तुम्हारी जरूरत हो और तुम उस वक्त अगर नहीं आए तो तारीख को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि उस वक्त तुम किसी कोठे पे बैठे दादे ऐश दे रहे थे या किसी मस्जिद में सजदा रेस थे। जिस वक्त हक को जरूरत थी, आज हक को जरूरत है कि ये एक शख्स को सिर्फ इख्तदार हासिल करने के लिए बदनाम करना चाहते हैं। तो ये मेरा आपका फर्ज है कि इस पैगाम को आगे बढ़ाएं। अगर आप मुझसे शेयर एग्री करते हैं तो उसको जरूर आगे बढ़ाइए। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।